हेलो एवरीवन, आज जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट ए का बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला हमारा चैप्टर है। दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम मैनेजमेंट के मीनिंग, फीचर्स ये सब करेंगे। उसी का एक जो लास्ट का पार्ट कोऑर्डिनेशन का होता है, और अदरवाइज सारा चैप्टर हमारा ये मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले हमें मैनेजमेंट का मीनिंग आना चाहिए। मैनेजमेंट के वैसे बहुत सारे मीनिंग दिए हुए, लेकिन सिंपल दो हमारे ऐसे मीनिंग हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। पहला मीनिंग है टू मैनेज, टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू डायरेक्ट एंड टू कंट्रोल। यहाँ पे जो बीच में गैप छोड़ा है, ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सारा जो है, टू मैनेज, टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू डायरेक्ट एंड टू कंट्रोल, ये पूरे हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस आ जाते हैं इसमें। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो हमारी डेफिनेशन है, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस को अपने अंदर इंक्लूड कर रही है। और जो हमारी दूसरी डेफिनेशन है वो है, मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। ये बहुत एक जनरल सी डेफिनेशन है, लेकिन अपने अंदर मैनेजमेंट के पूरे मीनिंग को लिए हुए। जैसे फर्स्ट में उन्होंने सारे फंक्शंस इंक्लूड किए, इसने मैनेजमेंट का पूरा मीनिंग अपने अंदर इंक्लूड कर लिया। इट मींस मैनेजमेंट अपने आप काम करना नहीं है, मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली, क्या जानना है हमको, व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, कि आपने अपने लोगों से क्या काम करवाना है, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और उसके बाद हमें ये देखना है कि वो काम बिल्कुल किफ़ायती तरीके से होना चाहिए और बेस्ट मैनर में पॉसिबल होना चाहिए। तो ये हमारे मैनेजमेंट की मीनिंग है। अब अगर आप इन दोनों को, मीनिंग्स को कंबाइन करें, तो हमारे बन जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा नेक्स्ट इसके एलिमेंट्स मान लीजिए, या दीज आर द थ्री टर्म्स दैट आर कमिंग अंडर द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो वो क्या तीन टर्म्स हैं जो हमारी मैनेजमेंट में इंक्लूड होके आ रही हैं। अब हम इन दोनों को ही कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि पहला क्या कह रहा है हमें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, और दूसरा हमें क्या बता रहा है, दैट द टास्क शुड बी कंप्लीटेड इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। तो यही चीज़ें हमारे इन थ्री टर्म्स में आ जाएंगी। फर्स्ट इज, इट इज़ अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट प्रोसेस है जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन से हैं? फाइव फंक्शंस हैं जो फ्योर ने दिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये हमारा हो जाता है प्रोसेस, दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। और जो सेकंड है वो है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे कई बार हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। और अब आजकल तो जो हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना है वो, तो उसमें तो इन दोनों की बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह है। जैसे इफेक्टिवनेस क्या है? अचीविंग द टारगेट ऑन टाइम। और एफिशिएंसी क्या है? दैट टारगेट हैज़ टू बी अचीव्ड विद द मिनिमम कॉस्ट, विद द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जैसे फॉर एग्जांपल, अब साथ में इसका मैं क्वेश्चन बता दूं कि कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा कि हमने 10 रुपीज़ का एक टारगेट सेट किया था, कि 10 रुपीज़ में हमने एक प्रोडक्ट को बनाना है और एक दिन में हमने अपने 20 प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो अब उसने 10 रुपीज़ में तो बनाया प्रोडक्ट को, लेकिन उसने 18 प्रोडक्ट्स ही बनाए। तो आइदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा CBSE में आपका, कि आइदर ही इज इफेक्टिव और एफिशिएंट। अब हम कहेंगे कि वो एफिशिएंट है, क्योंकि उसने कॉस्ट का तो ध्यान रखा, लेकिन टाइम का ध्यान नहीं रखा, ही इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव। तो ये हमारे तीन एलिमेंट्स बन जाते हैं, इसके थ्री टर्म्स बन जाती हैं, दैट इन मैनेजमेंट, फर्स्ट इट इज़ अ प्रोसेस, सेकंड इफेक्टिवनेस इज अ पार्ट ऑफ इट, एंड द लास्ट वन इज एफिशिएंसी, इट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये एक अलग हमारा टॉपिक यहाँ से मैनेजमेंट का मीनिंग का कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट का 1 मार्क्स का मीनिंग आ जाए तो आप कोई भी इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, 3 मार्क्स में आ जाए तो आप इसके साथ इसके टर्म्स लिख दीजिए, कंप्लीट आपकी वेटेज हो जाएगी उसकी। अब उसके बाद हम लेते हैं इसके, दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी होगी इस चैप्टर में, बाकी जितने भी हमारे चैप्टर्स आएंगे सब में नेचर, फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स वन एंड द सेम थिंग।
लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है इसमें जब हम बात कर रहे हैं कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये नेचर नहीं है। नेचर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक अलग से, उसमें हम कहते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट एज अ साइंस, वो हमारी नेचर है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले द फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। सिंपल, वट एवर इज गोइंग टू बी डन इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर रहे हैं, हम फाइव फंक्शंस कर रहे हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ये हम फंक्शंस क्यों कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं सो दैट अल्टीमेटली द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड। सो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, वट एवर विल बी डन इन मैनेजमेंट, वट एवर इज गोइंग टू बी डिसाइडेड इन द मैनेजमेंट, द अल्टीमेट एम इज दैट द ऑब्जेक्टिव हैज टू बी अचीव्ड। सेकेंड इज परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, इट इज प्रेजेंट एट एवरी प्लेस, आइदर इट इज इंडिया और इट इज यूएसए। आप इंडिया की बात करो या यूएसए की बात करो, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। आपका एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। आपका एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम कहते हैं सोशल सर्विस के लिए किसी ने कुछ स्टार्ट किया, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। डजंट मैटर व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दिस, बट मैनेजमेंट विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट किसी एक चीज से डील नहीं कर रहा, मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर पार्ट से, हर एस्पेक्ट से डील कर रहा है। जैसे अब सिंपल सी बात है, हर चीज़ें हमारे यहाँ ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, फंक्शंस भी हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस भी हैं। मैनेजमेंट हर चीज़ को देखेगा, हर चीज़ से ऐसे डील करेगा ताकि उससे बेस्ट चीज़ निकाली जा सके और हमारे टारगेट्स अचीव हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, मतलब हर डायमेंशन को इसने कवर किया। जनरली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तीन डायमेंशन है, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट। फर्स्ट है हमारे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखो दो जो है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हमारे फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। कौन कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इनमें से सिर्फ दो फंक्शन हमारे ऐसे हैं जो हमारे ह्यूमन बींग से रिलेटेड हैं। ह्यूमन बींग से कौन कौन से रिलेटेड हैं, एक तो स्टाफिंग और दूसरा है डायरेक्टिंग, कि हमने लोगों को अपॉइंट किया और लोगों को उनका काम बताया कि ऐसे ऐसे करना है, लीडरशिप दी, कम्युनिकेशन किया, ठीक। तो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ये डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, तो इन दोनों फंक्शंस को तो हम लिख देते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल में, दैट वी आर गोइंग टू मैनेज दीज टू फंक्शंस। कौन कौन से, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ये आ गए मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। लेकिन जो तीन बच गए, कौन कौन से तीन रह गए, फर्स्ट हमारा है प्लानिंग, और उसके बाद था ऑर्गेनाइजिंग, और उसके बाद लास्ट फंक्शन हमारा आता है कंट्रोलिंग। वो तीन जो हमारे फंक्शंस बचे वो हम इस तीन में लेते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में, ठीक। तो इस तरह से ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। अब जब आपको इन फाइव के सब के इनके मीनिंग आ जाएंगे, तो इनकी एक्सप्लेनेशन अलग से करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है लर्न, क्योंकि पूरा आपका पार्ट बी ही इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मीनिंग तो आपको इनका आ ही जाएगा। तो बस इनका मीनिंग यहाँ पे आपको लिखना है कि ये हमारे प्लानिंग है, ये ऑर्गेनाइजिंग है, ये डायरेक्टिंग है, ये कंट्रोलिंग है, ये स्टाफिंग है, तो ये दोनों पॉइंट्स की आपकी एक्सप्लेनेशन साथ ही बन जाएगी। अब उसके बाद इसकी जो थर्ड डायमेंशन होती है वो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन में हमारे कौन कौन से काम हो रहे हैं, इट इज़ परचेज, सेल, तो ये सब यहाँ पे आ जाएगी, प्रोडक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम अपने जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं उनकी बात कर रहे हैं, सेल, परचेज, प्रोडक्शन एटसेट्रा, वो आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो ये हमारे तीन पॉइंट्स। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस, मैनेजमेंट विल नेवर एंड। आप ये कहें कि हमने प्लानिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्टिंग कर ली, उसके बाद हम लास्ट वाले फंक्शन कंट्रोलिंग पे भी आ गए हैं, तो मैनेजमेंट का काम हो गया, बट इट नेवर एंड्स। मैनेजमेंट इज ऑलवेज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप कंट्रोलिंग तक पहुंचे, आप ये देखोगे कंट्रोलिंग में जाके कि हमारे टारगेट्स अचीव हुए या नहीं हुए,
अगर वो टारगेट्स अचीव हो गए तो आप दोबारा प्लानिंग करते हो और टारगेट सेट करते हो और फिर उनको अचीव करने के लिए काम करने लग जाते हो। और अगर बाय चांस टारगेट अचीव नहीं होते तो आप ये देखने लग जाते हो कि हमारे फ्लॉस कहाँ रहेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, उनको कैसे करेक्ट करना है। तो मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट विल गो ऑन अंटिल द लाइफ ऑफ द कंपनी इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, देयर आर डिफरेंट पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी वन इज वर्किंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो हर इंसान अपना, हर वर्कर उसमें अपना अलग काम कर रहा है। यहाँ पे जब उन सब कामों को मैनेज करना, ये देखना दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, वो सब क्या है, वो मैनेजमेंट है। सो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद अ सिंगल पर्सन। व्हेन मैनी पीपल आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली देन मैनेजमेंट इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे डिफरेंट पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट सब डिपार्टमेंट्स, तो एंड एवरी वर्क इज गोइंग टू अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे उसी ग्रुप एक्टिविटी को मैनेजमेंट मैनेज करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ एवरी एक्टिविटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है, बट वट एवर द टास्क, वट एवर द डिसीजन इज डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इज टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन। तो ये हम कहते हैं दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट इज सिक्स पॉइंट है हमारा डायनामिक। डायनामिक का सिंपल सा मीनिंग है मैनेजमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग। मैनेजमेंट क्यों चेंज होती रहेगी, बिकॉज हमें जो काम करने हैं हमें ये देखना है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। और वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, क्या होता है बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, उसमें कौन कौन सी उसकी सराउंडिंग्स है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उसकी सराउंडिंग है, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स उसकी सराउंडिंग है, सोशल एनवायरनमेंट की सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है ये उसकी सराउंडिंग्स हैं, हमारी जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज बन रही हैं वो उसकी सराउंडिंग्स है, फैशन लगातार हमारी सोसाइटी में बदलता जा रहा है वो सराउंडिंग्स हैं। तो हमें यहाँ ये देखना है कि ये जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, ये लगातार चेंज हो रहा है। और जब इसी एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, तो ये भी चेंज होता है। क्योंकि अगर ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होंगे, चेंजिंग बाहर की एक्सटर्नल पॉलिसीज के साथ इंटरनल पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे तो ये कभी भी एफिशिएंट नहीं हो सकते, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मैनेजमेंट इज़ डायनामिक, मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, इट इज़ मेकिंग द चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर जो चीज़ें चेंज हो गई, तुरंत हमें अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में उसे चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी ला दी कि हमें अपना जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा जोर देना है, जो बाहर वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हमें उनकी सेल कम करवानी है। तो क्या होगा, जितने भी हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं अब उनको इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना है। वो मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो तुरंत वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे। मींस मैनेजमेंट इज डायनामिक। ओके, नेक्स्ट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मींस यू कैन नॉट सी मैनेजमेंट। ओके, इट कैन नॉट बी टच्ड बट इट कैन बी ओनली फेल्ट। आप कैसे फील करोगे मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट को हम फील करते हैं अगर सब कुछ ऑर्डर में चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब देयर इज नो कैओस, एवरी वर्क इज गोइंग ऑन स्मूथली, देयर इज अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स, ओके, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इट मींस मैनेजमेंट इज वर्किंग। बिकॉज मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट, इट कैन नॉट बी टच्ड। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि ये मैनेजमेंट अपना काम कर रही है, इसको टच, आप सिर्फ इसको फील कर सकते हो, इसे टच नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, यू कैन फील द सर्विसेज इफ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली, देर इज अ वेरी गुड रिलेशनशिप, देर इज अ वेरी गुड एटमोसफियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग, दे आर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, देर इज नो क्योस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स मैनेजमेंट इज वर्किंग। सो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के। ओके, तो ये आज जो हमने इस वीडियो में किया, हमने किया मैनेजमेंट का मीनिंग,
उसके बाद किया द थ्री टर्म्स दैट आर इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. और आपको जैसे बताया कि अगर वन सेंटेंस में आ जाए आपका वन मार्क का आ जाए तो आप कोई भी मीनिंग लिख दीजिए, लेकिन अगर थोड़ा लेंथी में आ जाए तो टर्म्स को भी इंक्लूड कर लीजिए, तो ये पूरा कंप्लीट आंसर हो जाता है. और उसके बाद आप उसके ये फीचर्स करेंगे. फीचर्स भी क्वेश्चन आजकल कंसेप्चुअल आते हैं, तो वो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने पूरा एक आपको कोई भी स्टोरी बना के दे दी, कोई भी केस स्टडी दे दी, और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट दैट आर प्रेजेंट इन दिस कंसेप्चुअल क्वेश्चन. तो अगर आपको इनके सबके मीनिंग आ रहे हैं, आपको इनके हेड पॉइंट्स याद हैं, तो आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर लोगे. सो इट्स एनफ फॉर दिस वीडियो. कीप वॉचिंग. थैंक यू ऑल.